सरकार पर जम के बरसे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पटना में आरजेडी की बैठक से ठीक पहले कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और बिहार सरकार का कोई भी कंट्रोल कानून व्यवस्था पर नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने हॉस्टल मौर्य में आरजेडी के खुले अधिवेशन से पहले पार्टी की बैठक में इस बात को कहा कि बिहार सरकार के नाकामियों की वजह से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। बलात्कारी जो है सरकार में वो बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं और बिहार में अपराधियों का उप मुख्यमंत्री सफारी में घूम रहे हैं और कैमरा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो है हरियाली यात्रा में घूम रहे हैं और ये आपने देखा हो जो हैदराबाद में जो घटना हुई उसके बाद ठीक जो है बक्सर में वैसे ही हादसा हुआ, ठीक उसके अगले दिन समस्तीपुर में और कल जो सूचना मिली मुजफ्फरपुर में, घर में घुस करके जो बलात्कार की कोशिश किया, नाकामयाब होने पे आग से जला दिया। तो बिहार में जो लोग कानून और शासन की जो लोग बात करते हैं आप देखिएगा पूरी तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम है, पुलिस का भय नहीं रहेगा। अब मुख्यमंत्री को हमने पहले भी सलाह दी आप हरियाली यात्रा से पहले कौन अपराध बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे जाओ, नियोजन पीछे कीजिए, विकास का कोई काम नहीं हो रहा और ऐसा प्रतीत हो रहा कि नीतीश कुमार जी की जो पूंजी रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ माइक नीचे करो या नहीं यही रहेगा। नागरिक संशोधन पर एनआरसी बिल पेश हो रहा है तरीके से हम लोगों का क्लियर है, माइक नीचे करो। लेकिन जो लोग कैसे नीचे इसके पक्ष में बोला करते थे कहीं ना कहीं से आप देखिएगा एनआरसी के मुद्दे पे वो चुप खामोश। अब पार्लियामेंट में उनका क्या स्टैंड रहेगा अभी तो पार्लियामेंट में बहस चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी को तो पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि इनका स्टैंड क्या होना चाहिए। सपोर्ट करना, अमित शाह ने कहा कि वॉकआउट मत करना, हम सब जवाब देंगे, जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी जो पब्लिक से जो कमिटमेंट था, जो विचारधारा की जो राजनीति करते हैं फिर से पलटी मार गए इसके लिए अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी के। ये तो कहना बिहार में बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, बिहार के लोगों में जितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का केंद्र बन गया है, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट है और मुख्यमंत्री जो है अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, विचार और नीति का समझौता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जनता सब देख रही है और नीतीश कुमार जी से बिहार एकदम बेशमार। सर सर एक सेकंड, दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है, दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है, बिहार के लोग काफी लोग मरे हैं उसमें, काफी लोग मरे हैं, काफी दुखद घटना है। कल हमें सूचना मिली दिल्ली में जिस प्रकार से आगजनी हुआ और उसमें लगभग 45 लोग जो है लाइट सिटी नीचे करो घड़ी में हम उनके परिवार के लोग के साथ।